नमस्कार दोस्तों, मैं केशरमल सैनी, प्रवक्ता प्रोडक्शन, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस की, जो मैकेनिकल प्रोडक्शन डिप्लोमा के छात्र फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड है MP 308। और ये सब्जेक्ट मैकेनिकल में भी पढ़ाया जाता है, जिसका बराबर इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ जो अब बात करेंगे वो मैकेनिकल और प्रोडक्शन के दोनों के छात्रों के लिए हितकारी है। तो आज हम जो बात करेंगे वो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मटेरियल्स होते हैं जिनकी मेटल फॉर्मिंग की जाती है, या मेटल्स जो होते हैं उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, कि उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो मेटल फॉर्मिंग के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ बाई वर्च्यू ऑफ विच ए मटेरियल डिफॉर्म्ड अंडर द लोड इज इनेबल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी एक पदार्थ का गुण है जिसके द्वारा वो लोड लगाने पे डिफॉर्म्ड होता है और लोड को हटाने पर वापस वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस गुणधर्म को इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता कहते हैं। ये पदार्थ की महत्वपूर्ण गुणधर्म है। दूसरा है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी जो है वो है इलास्टिसिटी का जस्ट रिवर्स, यानी कि प्रत्यास्थता का जस्ट रिवर्स। इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी में मटेरियल वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आता है, लेकिन प्लास्टिसिटी के कारण वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस नहीं आता। प्लास्टिसिटी इज द कन्वर्स ऑफ इलास्टिसिटी। ए मटेरियल इन प्लास्टिक स्टेट इज परमानेंटली डिफॉर्म्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड इट हैज़ नो टेंडेंसी टू रिकवर। अर्थात प्लास्टिसिटी के गुण के कारण जो डिफॉर्मेशन होता है पदार्थ का वो परमानेंट नेचर का होता है, और लोड हटाने पर वो डिफॉर्मेशन वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है। और पदार्थ की जो इलास्टिक लिमिट होती है वो ही उसको अपने कहते हैं प्लास्टिसिटी, यानी कि उस लिमिट के बाद में पदार्थ प्लास्टिकली बिहेव करना शुरू कर देगा। अर्थात इलास्टिक लिमिट के बाद में लोड बढ़ाने पे जो डिफॉर्मेशन होता है वो इरिवर्सिबल होता है और वो वापस नहीं आ पाता है। फिर तीसरी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, इसे तन्यता भी कहते हैं। डक्टिलिटी पदार्थ का वो गुणधर्म है जिसके कारण से उसको खींच कर या टेंसाइल फोर्सेस के कारण उसका क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस किया जा सके। अर्थात उसको खींच कर उसके तार खींचे जा सके, चादरें खींचे या रोड बनाई जा सके। तो पदार्थ का वो गुणधर्म है जिसके कारण से उसका क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस किया जाता है टेंसाइल फोर्सेस के कारण उसका क्रॉस सेक्शन रिड्यूस किया जाता है। अगला जो गुणधर्म है वो है ब्रिटलनेस, भंगुरता। भंगुरता एक ऐसा गुणधर्म है जिसमें कि पदार्थ में डक्टिलिटी या तन्यता की कमी के कारण होता है। तो भंगुरता और डक्टिलिटी एक दूसरे के विपरीत गुण हैं। डक्टाइल होगा मटेरियल तो वो भंगुर नहीं होगा, ब्रिटल नहीं होगा, अगर ब्रिटल होगा तो वो डक्टाइल नहीं होगा। अब किसी भी पदार्थ को हम कैसे कहेंगे कि ये ब्रिटल है, तो जब उसको ड्रॉ आउट नहीं कर सकते टेंसाइल फोर्सेस के कारण तो उसको कहते हैं हम कि ये ब्रिटल है, या टेंसाइल फोर्सेस के एप्लीकेशन से उसका क्रॉस सेक्शन रिड्यूस नहीं किया जा सके तो वो पदार्थ ब्रिटल होता है। जैसे ग्लास है, सिरेमिक है, स्टोन है, कंक्रीट है, कास्ट आयरन है, इन पे अपने टेंसाइल फोर्सेस लगा के हम इनका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल है।
फिर नेक्स्ट जो है वो है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी पदार्थ का वो गुण है जिसके द्वारा पदार्थ को सभी दिशाओं में एक्सपांड किया जा सके या उसको सभी दिशाओं में फैलाया जा सके बिना फेलियर के या बिना फ्रैक्चर के, उसको सभी दिशाओं में फैलाया जा सके। सीधे शब्दों में अपने कहें तो मेलिएबिलिटी पदार्थ का वो गुण है जिससे कि उसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सके, फॉयल बनाई जा सके। ए मेलिएबल मटेरियल पजेस अ हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी बट नॉट नेसेसरली ग्रेट स्ट्रेंथ। जो मटेरियल मेलिएबल होगा वो प्लास्टिसिटी तो बहुत अच्छी होगी उसकी, लेकिन इसके साथ ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग भी हो या उसमें सामर्थ्य भी हो। और पदार्थ के इस गुण का उपयोग बहुत सारे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस में किया जाता है, जैसे रोलिंग है, फोर्जिंग है, इन सब में पदार्थ के इस गुण का प्रयोग किया जाता है। फिर जो अगला गुणधर्म आता है वो है टफनेस, आघात वर्धनीयता। टफनेस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो कि उसको इस काबिल बनाती है कि वो अपने अंदर एनर्जी को एब्जोर कर सके बिना फेलियर के। अर्थात टफनेस पदार्थ की वह गुण है जिसके द्वारा वो अपने अंदर बिना फेलियर हुए जो है एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो पदार्थ की टफनेस जो है उसकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। टफनेस का जो मापन किया जाता है वो है एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो मटेरियल कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर कर सकता है वो उसकी टफनेस को बताता है। और इसका मापन करने के लिए हम ग्रेजुअली टेंसाइल लोड उस पर अप्लाई करते हैं और जब तक कि उसका फेलियर नहीं हो तब तक वो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है ये उसकी टफनेस की लिमिट को बताता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि फ्रैक्चर से पहले या इलास्टिक लिमिट तक उस पे कितना वर्क डन किया गया है, उस मटेरियल पे कितना वर्क डन किया गया है, इलास्टिक लिमिट तक जितना वर्क डन किया जाता है वो उसकी टफनेस कहलाती है। फिर है हार्डनेस। हार्डनेस इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट इंडेंटेशन और सरफेस एब्रेशन। हार्डनेस पदार्थ का वो गुण है जिसके द्वारा वो सतह में पेनिट्रेशन और उसके स्क्रैच को रेजिस्ट करता है, यानी कि किसी सतह को अपने खरोंचते हैं या उसमें कुछ चुभोते हैं तो उस चीज़ का जो विरोध करता है वो पदार्थ का गुण कहलाता है कठोरता। और कठोरता के जो टेस्ट किए जाते हैं वो दो तरह से किए जाते हैं, एक तो स्क्रैच टेस्ट और एक इंडेंटेशन टेस्ट। फिर है स्ट्रेंथ, सामर्थ्य। द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इनेबल इट टू रेजिस्ट फ्रैक्चर अंडर लोड। जो मटेरियल का सामर्थ्य है वो उसको इस काबिल बनाता है कि वो जब उस पर लोड लगते हैं तो वो उनके जो होने वाले डिफॉर्मेशन और फ्रैक्चर्स हैं उनका विरोध कर सके। और वो जितना ज़्यादा विरोध करेगा उस पदार्थ का उतना ही अधिक सामर्थ्य होगा। अब किसी भी पदार्थ का सामर्थ्य चेक करने के लिए अपने को उसको लोड देते हैं तो वो फ्रैक्चर से पहले कितना लोड बियर कर सकता है या कितना लोड सह सकता है वो उस मटेरियल का सामर्थ्य कहलाता है। और सामर्थ्य को रिप्रेजेंट करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ से, कि जैसे अपने टेस्ट स्पेसिमेन पे लोड दिए जाते हैं और जब फ्रैक्चर होता है तो जो लोड आता है उसको उस स्पेसिमेन के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे डिवाइड करते हैं तो जो स्ट्रेस आता है उसको कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेस। तो इसको UTM पे टेस्ट करते हैं तो उसमें टेंसाइल टेस्ट के द्वारा इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो थी अभी अपनी जो मटेरियल था उसकी इम्पोर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़।
और इन प्रॉपर्टीज़ के कॉम्बिनेशन को देखते हुए अपने मेटल फॉर्मिंग करते हैं। तो मेटल फॉर्मिंग के लिए जो उपयुक्त मटेरियल्स हैं उनमें ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ काम में आएगी, उसके अकॉर्डिंग अपने मेटल फॉर्मिंग का प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं और उस प्रोसेस की डिज़ाइन करते हैं। और ये बात भी ध्यान में रखते हैं कि अपने को रॉ मटेरियल से डिजायर्ड शेप या प्रोडक्ट तक जाने में कितना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करना होगा, उसकी भी सही सही गणना करके अपने लोड कैलकुलेशन भी कर लेते हैं कि किस मशीन पे ये लोड लगाया जाएगा और किस ऑर्डर में लगाया जाएगा ताकि अपना प्रोडक्ट रिक्वायर्ड शेप में आ जाए। तो उसकी बात करने के लिए अपने करते हैं थ्योरी ऑफ मेटल फॉर्मिंग। तो मेटल फॉर्मिंग की थ्योरी क्या है, उसके सिद्धांत क्या हैं, ये समझने के लिए अपने ये करते हैं। पिछले कुछ दशकों से जो मेटल फॉर्मिंग यह है या प्लास्टिक वर्किंग जो है मटेरियल्स की, वो काफ़ी पॉपुलर हुई है। उसका कारण है कि इसमें बहुत सारे एडवांटेज हैं और बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन्स हैं इस प्रोसेस में, जिस कारण से पिछले कई दशकों से इसमें बहुत ही तेज़ी से लोकप्रिय हुई है। तो उसके कारण जो हैं, क्यों हुई है ये लोकप्रिय, इसके कारण क्या हैं, ये हम अब देखते हैं। तो इसका पहला कारण है कि इसमें हाई प्रोडक्टिविटी है, दूसरे जो मेटल वर्किंग प्रोसेस हैं या टेक्निक्स हैं उनके मुकाबले मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में हाई प्रोडक्टिविटी होती है, क्योंकि एक कम समय में ही बहुत अधिक मटेरियल को इससे प्रोसेस किया जा सकता है। फिर दूसरा कारण है कि यहाँ पे बहुत सारी जो शेप्स हैं वो बनाई जा सकती हैं, कि मेटल फॉर्मिंग के द्वारा बहुत सारी शेप्स बनाई जाती है, लार्ज वैरायटी ऑफ शेप कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। जैसे कि हम देखते हैं कि अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि रेल्स है, बीम्स है, राउंड बार्स, स्क्वायर, सीट, स्ट्रिप्स, पाइप्स, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, गियर, क्रेन हुक्स, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऐसे एक बहुत सारी वैरायटी है जो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के द्वारा अपने बना सकते हैं, इस कारण भी ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस पॉपुलर हुए हैं। हम अपने घर में ही देखें तो बहुत सारे जो डेली यूज़ के आर्टिकल्स हैं वो भी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए इक्वली सूटेबल होते हैं। फिर जो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस से जो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी जो सरफेस फिनिश होती है बहुत अच्छी होती है, कोल्ड वर्किंग जब हम करते हैं तो उसमें अपने बहुत अच्छी सरफेस फिनिश प्राप्त करते हैं। उसके बाद में जो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं जो कोल्ड कंडीशंस में किए जाते हैं उनमें हाई डाइमेंशनल एक्यूरेसी भी अपने अचीव कर सकते हैं, यानी कि जो क्लोज टॉलरेंस लिमिट्स हैं उनको अच्छे से अपने उस पर मेंटेन कर सकते हैं। मेटल फॉर्मिंग में ये करना पॉसिबल है कि हम जो पदार्थ यूज़ कर रहे हैं उसके कुछ गुणों को अपने स्पेशल बना सकते हैं, जैसे हॉट वर्किंग या कोल्ड वर्किंग कर रहे हैं तो हम उसके मैकेनिकल गुणों को सुधार भी सकते हैं, जिस कारण से स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के मटेरियल बनाना आर्टिकल बनाना भी संभव होता है। जैसे कि हॉट वर्किंग में अपने करते हैं कि ग्रेन ग्रोथ हो जाती है, उनके क्रिस्टलाइजेशन होता है तो उनकी डक्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है और स्ट्रेंथ से और डक्टिलिटी इम्प्रूव होती है तो उसमें जो स्ट्रेसेस रहते हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस रहते हैं वो रिलीव्ड हो जाते हैं। फिर इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इसमें किसी प्रकार का मटेरियल का वेस्टेज नहीं होता है। दूसरे जो प्रोसेस हैं उनमें चिप के रूप में मटेरियल का वेस्टेज होता है, लेकिन मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में चिप के रूप में मटेरियल का वेस्टेज नहीं होता, बहुत ही माइनर मटेरियल लॉस्ट होता है जो कि चिप के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल होता है। और ये सारे के सारे जो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं ये सारे के सारे इकोनॉमिकल होते हैं, इकोनॉमिकल इन द सेंस कि पर केजी मटेरियल जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो बहुत लो होती है इनकी।
इतने सारे ये जो एडवांटेज होने के कारण ही ये जो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस हैं पिछले कुछ दशकों में बहुत पॉपुलर हुए हैं। और या यूं कहें कि अपने ये जो रीजन्स हैं ये एडवांटेज ऑफ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं जिनके कारण से इनको बहुत यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है क्या चीज़। मेटल फॉर्मिंग बेसिकली कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल है। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में मेटल का जो है प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन किया जाता है और उसको एक शेप से दूसरी शेप में चेंज किया जाता है। और ये जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो अपने इंटेंशनली करते हैं, अपने चाहते हैं कि इस मटेरियल में ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो। और ये जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है इसको अपने जो है रिक्वायर्ड जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वो अपने कैलकुलेशन करते हैं कि इस शेप से इस शेप में जाने के लिए मटेरियल का कितना वॉल्यूम कितना प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड होगा और उस डिफॉर्मेशन के लिए अपने को क्या क्या चाहिएगा। तो उस डिफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए उस मशीन पे कितना लोड अपने को अप्लाई करना है, उस लोड से कितना उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, ये सारी कंडीशंस अपने प्री कैलकुलेट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही अपने मशीन का सिलेक्शन करते हैं और उस पर लोड की कैपेसिटी डिसाइड करते हैं कि इस आर्टिकल को इस आर्टिकल में बदलने के लिए इतना लोड अपने को रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो इस सब का कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए अपने को चाहिए कि कुछ कंडीशंस होती हैं वो फुलफिल होनी ज़रूरी होती हैं और उन कंडीशंस को देखते हुए अपने सारी कैलकुलेशन करते हैं। ये अजम्पशंस भी मान सकते हो और ये नेसेसरी कंडीशंस भी हैं मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के लिए। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं उसके बारे में अपने अब डिस्कस करते हैं जो नेसेसरी कंडीशंस हैं। पहली है कि मटेरियल के हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी ज़रूरी है। अर्थात ये है कि पदार्थ जिसको हम डिफॉर्म कर रहे हैं वो एक तरफ ज़्यादा हो रहा है एक तरफ कम हो रहा है, ऐसा नहीं। जिस शेप में अपने को उसको डिफॉर्म करना उस शेप के लिए उस पदार्थ के हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा कि पदार्थ के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। जितना मटेरियल हमने पहले यूज किया उतना ही वॉल्यूम आपके फाइनल प्रोडक्ट का होगा। तो इसका मतलब ये है कि उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि मटेरियल लॉस नहीं होगा। तीसरी जो कंडीशंस है स्ट्रेस और स्ट्रेन। इस कंडीशन में जब उस पर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उस मटेरियल के लिए उसके स्ट्रेसेस और स्ट्रेन आपस में जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप्स है उनको फॉलो कर रहे हैं। तो जो पर्टिकुलर मटेरियल है उसके लिए जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रिलेशनशिप है वो उसमें फॉलो होनी चाहिए। तो ये जो तीनों कंडीशन है ये नेसेसरी कंडीशन फॉर मेटल फॉर्मिंग के लिए होती हैं। तो इनको अपन ने स्टडी करते हैं और इनको आगे बात करते हैं। फिर है फ्लो कंडीशंस। मैकेनिकल वर्किंग में ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो अपने जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना है वो किस डायरेक्शन में होगा और वो कैसे होगा, ये सबसे पहले डिसाइड करना होता है। देर आर टू डिफरेंट थ्योरीज ऑफ क्राइटेरिया दैट डिफाइन द कंडीशंस ऑफ प्लास्टिक फ्लो ऑफ मेटल। तो अब यहाँ पे मटेरियल का प्लास्टिक फ्लो कब होगा, किस कंडीशन में होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए हमारे पास में दो क्राइटेरिया हैं जिनको मुख्य रूप से अपने यूज़ किया जाता है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में। कि ऐसा क्राइटेरिया है जिसके द्वारा मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस की कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो पहला है ट्रेस्का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ये ट्रेस्का की मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है जिसके द्वारा ये बताया जाता है कि शियर स्ट्रेस पर्टिकुलर लिमिट तक आएंगे उसके बाद में मटेरियल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और दूसरा जो है
वो है वॉन माइसेस का मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ये दोनों थ्योरीज मेटल वर्किंग में काम में ली जाती हैं। तो पहली है वो है ट्रेस्कास मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग यील्डिंग विल अकर व्हेन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस रीचेस द यील्ड स्ट्रेस इन द शेयर ऑफ द मेटल। ट्रेस्का की मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती है कि पर्टिकुलर मेटेरियल में यील्डिंग कब होगी, जब उसका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो शेयर यील्ड स्ट्रेस है उसके बराबर पहुंच जाएगा। तो मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है उसके अपर लिमिट पे बियॉन्ड द यील्ड स्ट्रेस मेटल स्टार्ट टू डिफॉर्म प्लास्टिकली। तो ये पहला क्राइटेरिया ट्रेस्का का जो अपने को ये बता रहा है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी ये बताती है कि जब जो स्ट्रेस है उसमें जो शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं वो उसके यील्ड स्ट्रेस को क्रॉस कर जाएंगे तो मेटल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। यील्ड स्ट्रेस इक्वल टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेट ऑफ शेयर एट द यील्ड पॉइंट। यील्ड स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेस इक्वल होंगे तो ये अपने यील्ड पॉइंट पे मिल जाते हैं। अब कोई एक बॉडी है जो प्रिंसिपल स्ट्रेस जिसमें सिग्मा वन सिग्मा टू और सिग्मा थ्री लगे हुए हैं, तो उस केस में शेयर स्ट्रेस क्या होंगे। द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज गिवन बाई सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू के बाई टू, और यहाँ के है वो यील्ड स्ट्रेस है। तो अपने ये कह सकते हैं कि ट्रेस्का की मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कब होगा, जब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस सिग्मा बाई टू हो जाएगा। यहाँ जो अपन ने बात की थी उसमें तो मैक्सिमम शेयर स्टेट ऑफ शेयर है, सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेस है और के सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू है। कि दूसरी है वॉन माइसेस शेयर स्ट्रेस एनर्जी थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो एक ये थ्योरी जो है एक हाइपोथेसिस पे बेस्ड है कि जिसमें ये कहा जाता है कि मटेरियल अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन व्हेन इंटेंसिटी ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस अटेन ए स्पेसिफिक वैल्यू। अर्थात कि मटेरियल है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाएगा जब उसके टेंजेंशियल स्ट्रेस यानी कि शियर स्ट्रेस एक स्पेसिफिक वैल्यू को अटेंड कर लेंगे या उससे बियॉन्ड चले जाएंगे। तो वो वैल्यू क्या होगी, फिर अपने ये मानते हैं कि एक बॉडी है जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम में है और उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन सिग्मा टू और सिग्मा थ्री हैं, तो उस केस में वॉन माइसेस क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो इससे दी जाएगी, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टू के स्क्वायर। वॉन माइसेस क्राइटेरिया इज क्लोजर क्राइटेरिया फॉर द यील्डिंग ऑफ डक्टाइल मटेरियल। यहाँ जो ये क्राइटेरिया दिया गया है वो डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं उनके लिए सटीक बैठने वाला क्राइटेरिया है, उनके लिए उपयुक्त क्राइटेरिया है।